अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शुमाइला अनवर एंड यू आर वाचिंग हंट ऑफ टेस्ट। आज मैं आपके साथ केएफसी स्टाइल फ्राइड चिकन विंग्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिनको आप पहली ही बार में परफेक्टली बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि वीडियो को किसी भी जगह से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फ्राइड चिकन विंग्स को अंदर से जूसी और बाहर से एक्स्ट्रा क्रिस्पी किस तरह बनाना है, इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो यू कैन हैव परफेक्ट रिजल्ट्स। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर चैनल पर नए हैं तो हंट ऑफ टेस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ हाफ के जी चिकन विंग्स ले ली थी, जिनको मैंने इस तरह से जोड़ में से कट लगा कर तीन तीन हिस्सों में डिवाइड करके काट लिया। ये इस तरह से ड्रम स्टिक के जैसी शेप में आ जाएंगी। सारी विंग्स को हम इसी तरह से काट कर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं सारी विंग्स रेडी हैं। अब हम इनमें 4 टेबलस्पून सिरका और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, और इसी के साथ हम इसमें इतना पानी डाल देंगे कि विंग्स के पीसेस पानी में डिप हो जाएं, और फिर इनको कवर करके 20 से 30 मिनट तक छोड़ देंगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम इस पानी को डिस्कार्ड कर देंगे और 1-2 मरतबा धो लेंगे। अब इस चिकन में से ब्लड वगैरह निकल चुका है और ये सिरका डालने की वजह से काफ़ी टेंडर हो चुकी है, तो अब ये फ्राई होने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी रहेगी। तो अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए मुझे यहाँ 4 टेबलस्पून दही इसमें डाल देना है, और इसी के साथ 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालेंगे, साथ ही 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे हम इसमें, 1 टीस्पून भरकर अदरक पाउडर, 1.5 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1.5 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और 1 टेबलस्पून सिरका डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे यहाँ चाहिए 3 कप छना हुआ मैदा। मैदा जब भी यूज़ करें हमेशा छान कर यूज़ करें। तीन कप छने हुए मैदे में मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाल दिया, इसी के साथ 1.5 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1.5 टीस्पून से थोड़ी सी कम काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से यकजा कर लेंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे। दूसरी तरफ हम एक पैन में ऑयल डालेंगे। फ्राई करने के लिए ज़रा गहरा बर्तन इस्तेमाल करें और ऑयल ज़्यादा डालें, ताकि विंग्स के पीसेस ऑयल में मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हों। अब हम विंग्स की कोटिंग कर लेंगे। चिकन के पीसेस को मैदे में खूब अच्छी तरह से कोट करेंगे। याद रखें कि आपके पास बर्तन में इतना मैदा होना चाहिए कि चिकन के पीसेस बर्तन या आपके हाथ को टच ना करें। अब हम चिकन के इस पीस को नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी में 10 सेकंड के लिए डिप करके दोबारा मैदे की कोटिंग करेंगे, और याद रखें कि दोनों दफ़ा मैदा कोट करने के बाद इनको अच्छी तरह से झटक लें। इस तरह करने से एक तो इनके ऊपर से एक्स्ट्रा मैदा उतर जाएगा, और सेकंडली चिकन के पीसेस पर बेहतरीन से क्रम्स बन जाएंगे। जिस हाथ से हम चिकन को मैदे में कोट करेंगे उसको पानी में नहीं डालेंगे, बल्कि दूसरे हाथ को यूज़ करेंगे, ताकि कोटिंग ख़राब ना होने पाए। एक और बात जिसका हमें ख्याल रखना है वो ये है कि हम चिकन के इतने ही पीसेस तैयार करके रखेंगे जितने एक बैच में फ्राइंग के लिए चले जाएं, और फिर साथ साथ तैयार करते चले जाएंगे और उनको फ्राई करते चले जाएंगे। ऑयल खूब अच्छा सा गर्म हो चुका,
खूब तेज़ गर्म ऑयल में हम चिकन के पीसेस को फ्राइंग के लिए डालेंगे। लेकिन हमें बर्तन को ओवर क्राउडेड बिल्कुल नहीं करना है। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के बाद हम चूल्हे का फ्लेम थोड़ा मीडियम कर देंगे और चिकन को 10 से 12 मिनट तक फ्राई करके निकाल लेंगे। इन चंद बातों का ख्याल रखेंगे तो आप बेहतरीन KFC स्टाइल फ्राइड चिकन विंग्स तैयार कर पाएंगे। एक और अहम बात जिसका हमें बहुत ख्याल रखना है, कोशिश करें कि चिकन के पीसेस को फ्राई करने के बाद किसी रैक वगैरह पर रखें ताकि वो सॉगी ना होने पाएँ, उनके क्रम्स ना ख़राब होने पाएँ। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन क्रम्स बने हैं चिकन के, बेहतरीन सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। अब आपको फ्राइड चिकन विंग्स खाने के लिए KFC और दूसरे महंगे रेस्टोरेंट्स पर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। कैन यू सी किस कदर क्रिस्पी क्रम्स के साथ ये चिकन विंग्स बनकर तैयार हुई हैं। आप देख सकते हैं कि चिकन विंग्स के पीसेस बाहर से जिस कदर क्रिस्पी हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। खाना हमेशा एंजॉय करके पकाइए और खाइए। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अगली किसी मज़ेदार सी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।